उत्तर प्रदेश में जहरीली शराब कांड को लेकर विपक्ष लगातार योगी सरकार पर हमलावर है। उत्तर प्रदेश के आबकारी मंत्री हमारे साथ हैं, हम उनसे बात करेंगे कि पूरा घटनाक्रम क्या रहा और सरकार की तरफ से अब तक क्या कार्रवाई की गई है। जो घटनाएं अभी 6 तारीख को और उसके बाद 2 दिन बाद सहारनपुर में 8 तारीख को, ये 2 अलग अलग घटनाएं थी। कुशीनगर में जो घटना हुई थी उसमें 8 लोग की मृत्यु हुई थी और गांव वाले के चिन्हित करने तक तत्काल उसमें मुकदमा लिख के और 2 व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया और उसके बाद उसकी छानबीन शुरू की गई। उसमें जहां तक हमारे आबकारी अधिकारियों की मिलीभगत की सवाल आती है तो उनमें से 6 लोग को हम लोगों ने निलंबित कर दिया, जिला आबकारी अधिकारी से लेकर नीचे तक ये कार्रवाई हुई उसमें। फिर इसके बाद अभी इसकी जांच अभी और चल रही है और इसमें कुछ तथ्य ये भी मिल रहे हैं कि शायद ये शराब का इसका जो निर्माण हो रहा था ये बगल के बॉर्डर पार करके किसी एक गांव में हो रहा है। अब इसकी पुष्टि के लिए अभी हम वहां के पुलिस अधीक्षक और जिलाधिकारी का रिपोर्ट का इंतजार कर रहे हैं। तो ये एक बात हुई अभी। दूसरी बात, जो सहारनपुर में जो घटना हुई थी इसमें एक समारोह में या एक पैरवी में वहां पर लोग इकट्ठा हुए थे हरिद्वार के जनपद हरिद्वार के किसी एक गांव में भगवानपुर, और वहां से निकलने के बाद लोगों ने शराब का सेवन किया, वहां पिया, वह किसी ने दिया उनको और आके यहां पर उनकी मृत्यु हो गई। 36 लोग इधर मरे, 23 लोग का जो मृत्यु हुआ था जो मेरठ मेडिकल कॉलेज में, उनकी अभी पुष्टि नहीं हुई, मेडिकल रिकॉर्ड से अभी ये साफ नहीं हुआ कि उसमें किस कारण से उनकी डेथ हुई है। ये 2 अलग चीज है। जहां तक सहारनपुर की बात है वहां भी तत्कालीन दोनों राज्यों के पुलिस अधीक्षक ने छापा मारकर 2 लोग को शुरू में गिरफ्तार कर दिया था, 5 लोग और गिरफ्तार हुए इस समय। उसमें भी हम लोग ने सीधा वहां तक पता लगा लिया है और उसकी भी शायद आज या कल में पुष्टि हो जाएगी कि जहां तक उसके तार जुड़े थे बहुत बड़े पैमाने पर वहां पर एक गोडाउन में एक जगह बन रहा था और वहीं से संचालन होता था, सब डीलर टाइप के बने हुए थे, उनको दिया जाता था, एक बहुत बड़ा नेटवर्क बना था वहां पर। दोनों जगह हम लोगों ने देखा है कि एक नेटवर्क के रूप में वहां चल रहा था काम। तो ये दोनों घटना से के कारण ये सब हुआ है। आगे अगर हम देखेंगे तो पहले भी ये घटनाएं हुई हैं जिनको हम लोगों ने सख्ती से उसमें कार्रवाई की है। जुलाई 2017 में आजमगढ़ में 21 लोग मरे थे, उस समय तत्कालीन गिरफ्तार हुए थे और जो एक बहुत बड़ा वहां पर एक गिरोह बना था जिसका जो वो था हेड था, ये मुलायम सिंह यादव नाम का एक व्यक्ति था जो पहले भी उसमें आरोपी था 2013 में जब 41 लोग मरे थे, उनको गिरफ्तार करके उनके ऊपर गैंगस्टर एक्ट लगा के और तमाम धारा ला के उनको बंद किया जो आज तक बंद पड़े हुए हैं वो भी, और वो समाजवादी पार्टी से जुड़े हुए हैं। इसी तरह कानपुर देहात में वहां भी जो घटना हुई थी 11-12 लोग मरे थे तो वहां के लोग को भी पकड़ा गया, एक समाजवादी पार्टी के पुराने नेता के संबंधित थे वो भी अभी से जेल से छूटे हैं। एटा में भी यही हुआ था पहले, और ऐसे तमाम जगह जहां हम लोग पता लगाते हैं जहां भी कहीं राजनीतिक संरक्षण किसी पार्टी द्वारा हो या किसी भी द्वारा हो, इधर हम लोग पूरी शक्ति से सभी पर छानबीन करके, और इधर हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने SIT भी दाखिल कर दिया, SIT का गठन कर दिया, SIT के द्वारा ये सारे जांचें हो रही है और प्रदेश के अंदर जहां जहां इस तरह के छापे मार रहे उन पर भी नजर रखा जाएगा कि वो किसी से जुड़े तो नहीं है, किसी राजनीतिक संरक्षण के द्वारा तो नहीं है या किसी माफिया गिरोह के द्वारा नहीं है, इन सब का जांच हम लोग कर रहे हैं। सर, सरकार बने काफी समय हो गया है, ऐसा आप कौन कौन से उपाय कर रहे हैं कि पूरी तरह से जो अवैध शराब का एक बड़ा नेक्सस काम कर रहा है पूरी तरह से समाप्त हो पाएगा? देखिए, कच्ची शराब एक अभिशाप तो है हमारे उत्तर प्रदेश में क्योंकि ये लगभग गांव-गांव में कहीं ना कहीं बनते रहता है, मगर जहां इसका कमर्शियल तरीका से इसका उपयोग कर रहा है जैसे ये कुशीनगर और सहारनपुर में जो दिख रहा है जिसमें इन लोग भारी मात्रा में निर्माण करते हैं उसमें केमिकल मिलाते हैं तो वो एक बहुत बड़ा हादसा बन जाता है। और जगह हम लोग प्रयास करते हैं कि जो गांव में जो बनता है उसको भी हम लोग तोड़वाते हैं लगातार, उसको 15-20 दिन के अंदर उसका लहन को नष्ट करते हैं, उसको चिन्हित करके उनको जेल भी भेजते हैं विभिन्न धाराओं के अंतर्गत भी, ये हम लोग बराबर प्रयास करते हैं। मगर हमको लगता है कि इसमें
कोई सार्थक पहल करने की आवश्यकता होगी, जहां इस तरह के अशिक्षित लोग हैं और गरीब परिवार के लोग हैं जो इस पर जीवन यापन करते हैं, उनको किसी तरह शिक्षित करके उनका रोजगार परत पर किसी तरह उनको मोड़ना पड़ेगा, ताकि ये किसी तरह समाप्त हो। इस पर हम लोग कुछ योजना बनाने की सोच रहे हैं। तो ये थे उत्तर प्रदेश के आबकारी मंत्री जय प्रताप सिंह, जिनका ये कहना है कि इस पूरे घटनाक्रम को लेकर समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता या समाजवादी पार्टी से जुड़े लोग इस शराब कांड को लेकर शामिल थे, सरकार कार्रवाई कर रही है,